अक्सर आप कुंभ में अखाड़ों के बारे में सुनते होंगे, लेकिन क्या आप इन अखाड़ों का इतिहास जानते हैं? ये अखाड़े क्या हैं? इन अखाड़ों का क्या महत्व है? अखाड़े कब, कैसे और क्यों बने? अखाड़ों को लेकर ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको विस्तार से देंगे। सबसे पहले आपको अखाड़ा शब्द से जुड़े इतिहास के बारे में बताते हैं। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। अखाड़ों को बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। अखाड़ा शब्द का चलन बाद में शुरू हुआ। माना जाता है कि अखाड़ा साधुओं का वो दल होता है जो शस्त्र विद्या में भी पारंगत होता है। धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक अलग शब्द से ही अखाड़े शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब सवाल ये है कि अखाड़े बने कैसे? दरअसल जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने सदियों पहले सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अखाड़ों की स्थापना की थी। शाही सवारी, हाथी घोड़ों की सजावट, घंटनाद, नागा साधुओं के करतब इन अखाड़ों की पहचान है। अखाड़ों से जुड़े संतों के मुताबिक जो शास्त्र से नहीं मानते उन्हें शस्त्र से मनाने के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ। इन अखाड़ों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया। शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई। परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का नाम निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा है। इन अखाड़ों ने हमेशा भारतीय संस्कृति और दर्शन के मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग नियम से संचालित होते हैं। गलत कार्य करने वाले साधुओं को अखाड़ा परिषद सजा देता है। कई मामलों में दोषी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। अखाड़ों के कानून को मानने की शपथ नागा साधु बनने की प्रक्रिया के दौरान दिलाई जाती है। कुंभ में सबसे बड़ा आकर्षण 10 नामी सन्यासी अखाड़ों का है। ये आदि गुरु शंकराचार्य की उस परंपरा को याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने समाज को संगठित किया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने पश्चिम में द्वारिका पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में शारदा पीठ की स्थापना की थी। आदि गुरु ने देश भर के सन्यासियों को 10 पद नाम देकर संगठित किया। यही 10 नामी सन्यासी कहलाए। शंकराचार्य ने इन सभी सन्यासियों को चारों पीठों से जोड़ा। बाद में इन्हीं सन्यासियों का एक हिस्सा नागा हो गया। अभी तक हमने आपको अखाड़ों के बारे में बताया। आइए अब आपको प्रयागराज में शुरू हो रहे कुंभ की तरफ लिए चलते हैं। जूना अखाड़े की शाही पेशवाई के साथ कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत हो गई है। मंगलवार को सन्यासियों और नागा संतों के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा और श्री पंचग्नि अखाड़े की पेशवाई हुई। कुंभ में आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में हजारों नागा साधुओं के साथ 50 से अधिक महामंडलेश्वरों ने कुंभ में प्रवेश किया। जादू दृश्य देखने के लिए हजारों लोग जमा हुए। देवता के बाद निशान और डंका बजाते हुए घोड़ों पर सवार नागा सन्यासियों को देखना लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। पेशवाई में अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन के साथ ही संत महंत ऊंट, घोड़ों, हाथियों पर सवार होकर निकले। इस दौरान नागा साधुओं ने अपने युद्ध कौशल व पराक्रम का भी प्रदर्शन किया। जिन मार्गों से पेशवाई गुजर रही थी शहर के लोग वहां फूलों की वर्षा कर रहे थे। धर्म की जय जयकार गूंज रही थी। अब एक महीने तक साधु संतों का डेरा संगम की रेत पर जमेगा और यहीं नागा साधुओं की धूनी रमेगी। कुंभ में आपको सनातन धर्म के उस विराट रूप के दर्शन होंगे जो प्रकृति और देव में भेद को पूरी तरह से समाप्त करती हुई नजर आएगी।